मैं आशा करता हूँ कि इस एल्बम से लोग मुझे नॉट जस्ट एज अ सिंगर बट ऑल्सो एज अ कंपोजर एज अ लिरिसिस्ट और भी पहचाने और भी पसंद करें। शान, इस तरह के जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ नारनिया में आपने बताया, जो माइकल एंड सुरॉक के साथ में आपने गाना किया, स्माइल दे रहा है ना लीक से? जी शान, इस तरह के जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होते हैं माइकल एंड सुरॉक के साथ में आप जैसे आपने किया, डू यू थिंक एज एन आर्टिस्ट ज़्यादा रिकग्निशन इन्हीं चीज़ों से मिलता है इंटरनेशनली? रिकग्निशन तो मिलता है, ये नहीं है कि इससे कुछ खास करियर बूस्ट या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तो ना, मेरा कोई प्लान है कि इंडिया छोड़ के बाहर जाके कोई करियर बनाऊं, मैं चाहता हूं कि यही कुछ करूं। लेकिन साथ साथ एक अच्छा लगता है जब एक इंटरनेशनल फिल्म में, इतनी बड़ी फिल्म में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि अभी एक नई फिल्म बन रही है, बन चुकी है शायद, सलमान खान की फिल्म मारी गोल्ड, जिसमें मैंने हिंदी गाने तो गाए हैं साथ साथ इंग्लिश गाने भी गाए हैं। वो फिल्म अभी हॉलीवुड में भी रिलीज़ होगी, तो जब वो हॉलीवुड में आएंगी तो सही मायने में तब जाके मेरी आवाज़ वहाँ के लोग भी सुनेंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। यही है कि देखिए, एक फॉरेन फिल्म जिसमें इतना विजुअली इतना स्ट्रॉन्ग फिल्म है, उसके साथ जो ऑडियो होनी चाहिए, वो ऑडियो में वो स्ट्रेंथ, वो बात होनी चाहिए कि उस फिल्म के साथ मैच कर सके, तो मेरे लिए बस आई एम वेरी फ्लैटर्ड कि उनको मेरे गाने में वो बात नज़र आई। नॉट जस्ट मी, आई थिंक मी एंड रंजीत, आई कैन स्पीक ऑन हिज बिहाफ, ऑन रंजीत ब्रदर्स बिहाफ ऑल्सो, दैट वी रियली लाइक, वी फेल गुड कि अपने गाने को उन्होंने पसंद किया और अपने फिल्म में रखा, सच गुड थिंग। जी अब अच्छा, कई लोग फिल्म देख के कहेंगे कि गाना तो था ही नहीं फिल्म में, इट्स अ प्रमोशनल सॉन्ग फॉर द फिल्म व्हिच दे यूज्ड। शान, टीआरपीस डेफिनेटली बड़ी है, शो डेफिनेटली ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो एक टैलेंट हंट का बेस था, जिस बेस पे शुरू हुआ था सारे का, उससे थोड़ा डिविएट कर गया है अब शो? लकीली जो हमारे पास जो टैलेंट्स आए हैं या जो हमें मिले हैं इस चैलेंज 2005 के दौरान, दे आर एज गुड एज इट गेट्स। आई मीन, इससे अच्छा इंडिविजुअल 17-18 साल के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा गा रहे हैं। और आप देखिए, जो हमारा रेगुलर फॉर्मेट था उसमें एक बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट था, यहाँ आकर इन्वायरमेंट थोड़ा सा अभी सामने लोग अचानक हमारे मेंटर्स कुछ कह दें या फिर फाइनली इंडिया की जनता क्या कहें, ये कई सारी बातें उनके मन में चल रही है, फिर भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक के बाद एक लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सो इट्स सीजनिंग देम अप फर्दर अप। अब मुझे तो लगता है कि अगर हम जैसे दो की जगह, पहले हमारे दो जजेस रहते थे, उसकी जगह चलिए शो के, इट्स अ मेगा शो टुडे, तो हम पैनल ऑफ 10-15 जजेस करें और उनमें से वी हैव अ वीटो, यू नो, वोट्स एंड वी पिक अप, वी वुड हैव गॉट मोर जेन्युइन टैलेंट थ्रू दैट। ऑब्वियसली हम जानते हैं, पिछले शोज में भी ऐसा हुआ है कि जब हम जनता पे छोड़ देते हैं तो समटाइम्स यू डोंट गेट द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थ्रू, लेकिन लकली फॉर अस हमारे 12 के 12 ही बहुत अच्छे टैलेंट थे, तो उनमें से जो भी आए हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड। आई मीन, यू नो, विनीत एंड देवोजी आर एज गुड एज एनी सिंगर ऑफ टुडे, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई मीन ऑफ कोर्स वो चमक, वो फिनिश तो एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकती है, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं दोनों में ही। सो आई थिंक द फॉर्मेट हैज़ डिविएटेड बट वी हैव नॉट सैक्रीफाइज द म्यूजिकलिटी ऑफ द शो सो मच। शान, आप प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं, आपके अपने एल्बम्स भी आ रहे हैं, आप एक शो भी होस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम? मैं अपने मॉडल्स के साथ भी वक्त बताता हूँ। जी, तो टाइम किस तरह टोटली मैनेज करते हैं? कंप्लेंट्स तो आ रही है घर से, और आज वैसे मेरा ऑफ डे है घर में, इसलिए मुझे बेबी सिट भी करना है, साथ साथ इंटरव्यू भी देना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो कोई फॉर्मूला तो नहीं है जिससे अपना कर मुझे लगा है कि अब मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाया हूँ, लेकिन बस कोशिश यही रहती है कि अगर आप थोड़ा सा बैलेंस रखें कि चलो 4 दिन बहुत काम किया तो 5वां दिन छुट्टी लेना ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, तो हो जाता है। साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं शोज़ हैं तो वहाँ एक दिन ज़्यादा रह जाता हूँ, ब्रेक भी मिल जाता है, फैमिली के साथ वक्त भी बिता लेता हूँ, इस तरह से ही करते हैं। बाकी देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारे सारेगामा के जो डायरेक्टर हैं, अभी वो तो एक ही काम कर रहे हैं, शो बना रहे हैं, लेकिन उनकी दिन रात सुबह शाम कितने सालों से, महीनों से कर रहे हैं वो काम, तो वो हो जाता है। अभी मैं होस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो काफ़ी ब्रेक मिल जाता है, उससे ब्रेक टाइम में मैं शोज़ भी कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी कर लेता हूँ, सो इट्स नॉट हाउ मेनी थिंग्स यू आर डूइंग बट हाउ मच ऑफ दैट वन थिंग यू आर डूइंग। कुछ मेरे सिंगर्स हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा गाते हैं, दूसरे सिंगर्स हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा टूर्स करते हैं, तो मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा।